नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, मैन लक्ष्मी तकदीर बदलने से पहले यह कुछ संकेत देती है जिसे समझना बहुत ही आसान और बहुत ही कठिन है। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, जो समझ जाए वह आज राजा है, पर जो व्यक्ति ना समझे आज वह भिखारी है, उनकी स्थिति दयनीय है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी धन देने से पहले, तकदीर को बदलने से पहले कुछ संकेत देती है। इस संकेत को देवगर बोला जाता है। देवगर बहुत ही कठिन भाषा है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस समय पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। इसलिए चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु भक्तगण कई प्रकार के धार्मिक कार्य, पूजन, अभिषेक करते हैं। शिव जी का सबसे प्रिय महीना श्रावण का महीना है और इस महीने में भगवान शिव को कुछ ऐसे प्रिय वस्तुएं आप अवश्य अर्पित करें। शिव जी भोले भंडारी है, थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं, मुंह मांगा वरदान देते हैं, हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी उन्हें अर्पित नहीं की जाती, नहीं तो जीवन भर शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो शिवजी पर क्या अर्पित करें, क्या ना करें, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे और बताएंगे कौन सी शिवजी की वस्तु उन पर अर्पित करने से क्या शुभ फल मिलते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्या पता इस सावन में आपकी किस्मत ही पलट जाए, क्योंकि शिवजी को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने के लिए यह सर्वोत्तम समय है। उनका सबसे प्रिय महीना है। भोलेनाथ को यह महीना सबसे प्रिय क्यों है, क्योंकि इसी महीने में पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी, जिससे शिवजी प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। अपने प्रियतम से दोबारा मिलाप के कारण भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना सबसे अधिक प्रिय है। इसका और एक कारण भी है कि इसी महीने में भगवान शिव अपने ससुराल भी आते हैं, इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पाने का यह सबसे उत्तम समय माना गया है। संपूर्ण सावन मास भगवान शिव पूजा के लिए समर्पित है, इसलिए सावन मास में किसी विशेष दिन का इंतजार न करके प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। लेकिन समय के अभाव रहते जो भक्त प्रतिदिन समय नहीं पाते हैं, तो सावन मास में सोमवार और शिवरात्रि का दिन शिवलिंग पूजा करना उनके लिए उपयुक्त है। शिव पूजन में सबसे महत्वपूर्ण होता है रुद्राभिषेक, जो कई द्रव्यों से, पदार्थों से किया जा सकता है। उसके मैंने कौन आप मिलते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल भी शिवजी पर नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं तो शिव के रौद्र रूप का सामना करना पड़ेगा। जीवन भर शिवजी आप पर क्रोधित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो कोई ठंडी चीज किसी भगवान पर नहीं चढ़ानी चाहिए, पर जब अक्षत अर्पण करने की बात आती है तो हम अक्सर ध्यान नहीं देते कि कहीं वे टूटे हुए तो नहीं है। शिवजी की पूजा में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें टूटे खंडित चावल बिल्कुल ना चढ़ाए। शास्त्रों में लिखा है टूटा हुआ चावल अशुद्ध होता है। शिवजी की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि उन्होंने वृंदा रूप में तुलसी के पति जालंधर का वध किया था। जब वृंदा को यह बात पता चली तो उसने खुद को आग के हवाले कर दिया है। जहां पर बुद्ध ने आत्मदाह किया था वहीं से तुलसी का पौधा हो गया था। ऐसे में वृंदा नहीं, शिवजी की पूजा में तुलसी को शामिल न करने का श्राप दे दिया था। साथ ही भगवान विष्णु ने तुलसी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। यही कारण है कि शिवजी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। दोस्तों, संग से भूलकर भी शिवजी पर जल अर्पित ना करें। भगवान शिव ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान श्रीहरि का भक्त था, इसलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं होता है। दोस्तों, शिवजी पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी स्त्रीलिंग है और प्रसाधन की वस्तुएं ही। शिवजी बैरागी है, इसलिए शिवलिंग पर कभी हल्दी नहीं अर्पित की जाती। इसी तरह सिंदूर या कुमकुम को, जो सौभाग्य का प्रतीक है और प्रसाधन की वस्तु, इसलिए शिवजी को कुमकुम अर्पित नहीं किया जाता। शिवजी पर नारियल तो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन उन पर नारियल पानी अर्पित नहीं किया जाता। केतकी के फूल भी शिवजी पर नहीं अपने चाहिए। एक बार शिव से झूठ बोलने का धन केकी आज तक भुगत रही है, इसलिए शिवजी पर केतकी का पुष्प अर्पित नहीं होता। वैसे शिव पर गुड़हल का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यह तो ही वह चीजें जो भूल कर भी शिवजी पर नहीं चढ़ानी चाहिए। अब जानते हैं कि कौन सी उनकी प्रिय चीजें चढ़ाने से क्या लाभ मिलते है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। या दोस्तों, शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, आपको निरोग लंबी आयु की प्राप्ति होती है। अगर आप दही अर्पित करते हैं तो जीवन में खुशियां, हर्षोल्लास की प्राप्ति होती है। कुंडली में शुक्र बलवान होता है और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। दूध शर्करा मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने से शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
और सफल सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। अगर आप शिवलिंग पर यह अर्पित करते हैं तो आपका तेज बढ़ता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, सुशील संतान की प्राप्ति होती है, संतान आपका नाम रोशन करती है। अगर आप शहद अर्पित करें तो आपका सौंदर्य, आपका व्यक्तित्व निखरता है, आपकी वाणी में मिठास आती है, लोग आपको पसंद करने लगते हैं। शिवलिंग पर चीनी चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चीनी अर्पित करने से घर में कभी यश, वैभव और कीर्ति की कमी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खूब सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहे तो शिवलिंग पर शक्कर या फिर गुड़ की डली अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख और धन की कभी कमी नहीं होती, चाहे आप कैसी भी स्थिति में हो। कि शिवलिंग पर अगर सावन में अर्पित करते हैं तो सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। आत अर्पित करने से जीवन में उमंग बढ़ती है, खुशियां जाती है और अगर सुगंधित तेल अर्पित करें तो धन धान्य में वृद्धि होती है, भौतिक सुख बढ़ते हैं। शिवजी पर सफेद चंदन अर्पित करने से समाज में यश मान सम्मान बढ़ता ही चला जाता है। राजनीति से जुड़े लोगों को शिवलिंग पर चंदन जरूर चढ़ाना चाहिए और चंदन अर्पित करने से मस्तिष्क ठंडा रहता है, आपका चंद्रमा बेहतर होता है और अगर आप शिवलिंग पर भांग अर्पित करते हैं तो समस्त सचिव पापों का नाश होता है। भांग के पत्ते भी आप अर्पित कर सकते हैं। शिवजी पर आंवला अर्पित करें या आंवले का रस अर्पित करें तो सुखी दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होती है। शिवजी पर केसर अर्पित किया जाए तो दाम्पत्य जीवन सुख में रहता है, जीवन में आने वाली अड़चने समाप्त हो जाती है, अविवाहित जातकों को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। शिवजी पर गन्ने का रस अर्पित करने से जीवन में मिठास बढ़ती है, सुखों की प्राप्ति होती है, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम मेलजोल बढ़ता है। शिवजी पर गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, सुशील संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अगर आप चावल अर्पित करते हैं तो जीवन में धन सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। शिवजी पर काले तिल अर्पित करें तो समस्त पापों का रोग शोक का नाश होता है। शिवलिंग पर अगर आप बेलपत्र अर्पित करें जो कि शिवजी को सबसे प्रिय है तो सभी संकट दूर हो जाते हैं। बेलपत्र 5 जगह पर अर्पित किए जाते हैं, गणेश जी को, शिवजी को जलाधारी पर, नंदी महाराज को और शिवजी के माथे पर। अगर आप शमी के पत्ते अर्पित करते हैं तो उस वरदान के समान पुण्य फल मिलता है, किसी चीज की कभी कमी नहीं होती। शिवजी पर जो अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, शिवजी पर दूर्वा अर्पित करने से सेहत अच्छी रहती है, निरोग दीर्घायु मिलती है, जीवन से नकारात्मक चीजें समाप्त हो जाती है। अगर आप एक लोटा जल में थोड़ा सा कुशाघात डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पितरों समाप्त हो जाता है, पितरों प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं, नित्य आ रही अड़चने समाप्त हो जाती है। शिवजी पर कमल का पुष्प अर्पित करने से धन मान सम्मान ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ता है, जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। हर सिंगार का फूल अर्पित करने से आपका शुक्र बलवान होता है, समृद्धि आती है, ऐश्वर्य बढ़ता है। अगर आप चमेली के पुष्प अर्पित करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ मन को शांति मिलती है। शिवजी पर अगर आप उनके सबसे पसंदीदा पूरे का पुष्प योर धतूरे का फल अर्पित करें तो सुयोग्य संतान प्राप्त होता है जो खानदान का नाम रोशन करता है। आंकड़े के फूल से अगर शिवजी का श्रृंगार करें तो सूखा सिंह जीवन की प्राप्ति होती है, पितरों को मोक्ष मिलता है। अलसी के फूल अगर शिवजी पर चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि सभी देवी देवताओं का क्रोध आशीर्वाद आपको मिल जाता है। अगर आप अपराजिता का फूल उन पर अर्पित करते हैं तो शत्रु व विरोधी परास्त हो जाते हैं। अगर आप बेला के फूल से शिवजी का पूजन करते हैं तो मनचाहा सुंदर जीवन साथी मिलता है। शिवजी पर कनेर के पीले पुष्प अर्पित करने से जीवन में खुशियां आती है और शत्रु विरोधियों का दमन होता है। और जूही के फूलों से पूजन करने से घर कारोबार में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। शिवजी पर मोर पंख अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है, शिव पुराण शांत जीवन की प्राप्ति होती है। शिवजी पर अकेला अर्पित किया जाए तो संतान सुख मिलता है, इलायची अर्पित करने से सुख बढ़ता है। शिवजी की पूजा करने के बाद आखिर में पान के पत्ते पर एक सिक्का, मौली धागा, मिश्री और लौंग, इलायची रखकर दक्षिणा के रूप में उन्हें समर्पित करें तो आपकी पूजा सफल संपूर्ण हो जाती है। अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा शिवजी को अर्पित कर दे तो इससे काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। शिवजी पर हरा मूंग अर्पित करते हैं तो बुध सहित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। वार के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों इस बार सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को है और इस दिन यानी 19 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राज्य योग सिद्ध का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है।
और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभु को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें पर 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन यह फल जरूर खा ले। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में सावन का बहुत महत्व है और भक्तों सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का पांचवा महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन महीना का आरंभ 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से हो चुका है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त को होगा कहा जाता है। इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त प्राचीन ज्ञान चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन चीज है जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए शिव जी की पूजा में और कैसे बचे, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाए शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लागे, उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे नहीं लागना चाहिए, उसे लागने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें और के पत्ते भूलकर भी शिवजी को अर्पित मत करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं, यह सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु है और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों, हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं, ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ साथ दूध दही घी शहद शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें, शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्रसाद करते हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते ही, हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। भक्तों, शिवजी को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिवजी की पूजा करेंगे सावन सोमवार पर तो शिवजी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें, दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखी राम लिखी फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, चावल टूटा हुआ ना हो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते ही। हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना भक्ति साधना पूजा व्रत आदि करनी चाहिए। भक्तों, भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है, इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती है। भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले ऊन जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है, इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान दान आदि अवश्य कर ले, इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है, इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। भक्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं।
और आप शंख से जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूर नामक राक्षस का वध जी नहीं किया था, इसीलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिवजी रुष्ट हो जाएंगी, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिवजी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप तुलसी की मंजूरी अर्पित कर सकते हैं, और मित्रों चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी कुमकुम इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है। इस दिन घर में अक्लेश, लड़ाई झगड़े, मुंह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसे योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत ही भयानक हो सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों जहां तक संभव हो व्रत रखें, व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, और इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे, आप जितना ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी, क्योंकि पूरे साल हम इस सावन सोमवार का इंतजार करते हैं, भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है, जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें, और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दे। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा काला आब लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल मत चढ़ाना। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों आप जानते हैं सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी पांच चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। भक्तों भगवान शिव के डमरू सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए, और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्त सावन सोमवार पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है, इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं, लेकिन सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों अगर सावन सोमवार पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते ही ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दे, खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों सावन सोमवार पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए, किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है, जहां होता है मोर पंख उस घर में गरीबी कभी नहीं आती, ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर वृद्धारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए, भले ही आप थोड़ा सा खाएं लेकिन जरूर खाएं, इससे व्रत पूरा हो जाता। इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक ले। भक्तों अगर आपको यह अनमोल जानकारी चैनल के माध्यम से प्राचीन जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सबसे दिल से हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।